वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नजर मार लेने हुण तक दी अहम खबरां ते। रोम तो भारत आई एयर इंडिया की फ्लाइट विच 125 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जहाज विच 191 लोग सवार सन, जिन्हां विच अमृतसर विच 125 लोग संक्रमित मिले ने। यह जहाज अज सवेरे 11:15 रोम तो आया सी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर वीके सेठ ने दस्या कि एयर इंडिया की इटली अमृतसर उड़ान के 125 यात्री अमृतसर हवाई अड्डे से पहुंचने तो बाद कोरोना नाल संक्रमित पाए गए ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने फिरोजपुर जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोताही लैके निशाना साध्या। सिद्धू ने कहा कि किसान एक साल तो वध समय तक दिल्ली दी सरहदां ते डटे रहे, पर जदों प्रधानमंत्री नूं 15 मिनट तक इंतजार करना पिया तो उन्होंने परेशानी हो गई। सिद्धू ने पूछा कि यह दोहरा मापदंड क्यों। दाणा मंडी बरनाला विखे जनसभा नूं संबोधन करदिआं सिद्धू ने दोष लाया कि मोदी जी तुसीं किसानां दी आमदन दुगनी करन दा वादा कीता सी, पर उन्हां कोल जो वी सी ओह वी तुसीं खो लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली होने बारे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया को संबोधन होंदया कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होंदे ने। इसका एक पहलू यह है कि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कताई नहीं होनी चाहिए सी, पर इसके नाल ही इसका दूजा पहलू यह भी है कि फिरोजपुर रैली में लोगों का इकट्ठ ही नहीं सी। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि लोग रैली में गए नहीं सन, जिसका कारण यह है कि पंजाब के लोग बीजेपी पार्टी पसंद नहीं करते। पंजाब की राष्ट्रवादी साख से सवाल उठाने वालों करारा जवाब दिंदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब कदे भी देश लई कुर्बानियां करन तों पिछे नहीं हटिया और तो किसी भी जात वांग देश भगत हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं फिरोजपुर विखे भीड़ नूं संबोधन किए बिना वापस चले जाण दी कल दी घटना दा हवाला दिंदे होए मुख्यमंत्री ने इत्थे दाणा मंडी विखे कहा कि असलत यह है कि रैली वाली थां ते सिर्फ 700 लोग ही पुज्जे सन, जिस कारण प्रधानमंत्री नूं अपने कदम पिछे हटण लई अते बाद विच प्रधानमंत्री दी सुरक्षा नूं खतरे दा हवाला दिंदे होए पंजाब सरकार ते दोष मढ़ दिता गया। चन्नी ने कहा सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री दी निर्धारित रैली तों 5 दिन पहला स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप ने लैंडिंग स्पॉट रैली वाली थां अते हरेक सुरक्षा वेरवे अपने कब्जे विच लै ले सन, पर बाद विच प्रधानमंत्री दे काफले ने अचानक जमीनी रस्ता फड़ लिया। SPG वालों रूट नूं जोड़ा गया सी। मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब विरोधी ताकतां नूं सूबे नूं बदनाम करना बंद करन लई कहा। इसी मामले ते जिथे भाजपा पंजाब सरकार ते गंभीर दोष ला रही है, उत्थे पंजाब सरकार ने भी इस मामले च उच्च पदरी जांच कमेटी बनाई है, पर हुण मामला अदालत तक पुज गया। इस मामले विच बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत दा वी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा विच अणगहली नूं उसने शर्मनाक दस्या। उसने लिखिया कि पंजाब विच जो कुछ भी हो रहा है वह शर्मनाक है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र नाल जुड़े हुए नेता नुमाइंदे अते 1.4 अरब लोगों की आवाज़ हैं। उन्हां ते हमला हर भारतीय दे हमला है, यह साडे लोकतंत्र ते भी हमला है। पंजाब अत्तवादी गतिविधियां दा गढ़ बनता जा रहा है, जेकर असी हुण उन्हां नूं नहीं रोकिया तो देश नूं इसकी वड्डी कीमत चुकानी होगी। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी जिम्मेवारियों तों भज के कायरां वांग व्यवहार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सुरक्षा विच एक गंभीर कमी सी अते मुख्यमंत्री चन्नी अते उप मुख्यमंत्री रंधावा जो गृह विभाग के मुखी हैं नूं इसका जिम्मेवार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चे आगू जिम्मेवारी निभाते हैं, यह कोई लीडरशिप नहीं है, यह कायरता है। पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों नूं राहत पहुंचाने का फैसला लिया है। उच्च सिक्ख्या संस्थावां विच पढ़ने वाले विद्यार्थियों लई ऑनलाइन कला 2000 रुपए इंटरनेट का खर्चा देने का ऐलान किया है। यह इंटरनेट का खर्चा एक बार मिलेगा। कैबिनेट मीटिंगों तो बाद पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा इस फैसले तो करीब 8.67 लाख विद्यार्थियों नूं लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा च अणगहली की प्रतिक्रिया दिंदिया आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान ने इस नूं बहुत मंदभागा करा दिता है। मान ने बुधवार को पार्टी हैडक्वार तो जारी एक बयान विच इस घटना लई पंजाब की कांग्रेस सरकार नूं जिम्मेवार ठहरांदे होए ट्वीट किया है। पंजाब के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी पंजाब सरकार से है, भावे किन्नी भी सियासी मतभेद क्यों ना हो, पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच कमी बहुत चिंताजनक है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुसैनी वाला जाण समय राह विच सुरक्षा विच प्रमुख सन लगन ने साबित किया कि पंजाब विच कानून व्यवस्था मशीनरी टह टहरी हो गई है अते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही इस संकट वास्ते जिम्मेवार हैं। इत्थे जारी किए एक बयान विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने कहा इस घटना ने स्पष्ट किया है कि सूबे विच सरकार ना दी कोई चीज नहीं है। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने मुख्यमंत्री नूं पूरी तरह प्रभावहीन बना दिता है ते हालात यह बन गए ने कि कानून लागू करने वाली मशीनरी नूं कोई स्पष्ट हुक्म नहीं दिते जा रहे। यह गल अज वेखण नूं मिली क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी दे गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा इको घटना दे वक्खो वक्ख बोली बोल रहे ने। पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगू ते संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने से किसानों वालों विरोध करने बारे अपने फेसबुक सफे उत्ते टिप्पणी की गई है। बिट्टू ने अपने ट्वीट विच लिखा कि पंजाब के वारसा मावां अते भैणां ने
जो ठंड मीह ते हनेरी विच सवा साल दिल्ली दे बार्डरां उत्ते बैठ के अपने पिंडे ते हंडाई, रब ने उहदा छोटा जिहा ट्रेलर मोदी ते बीजेपी दे वर्करां नूं पंजाब आउण ते अज दिखाया है। इह जिवें जिवें पंजाब वल नूं वधणगे, इन्हां दा किते जुल्मां दा परमात्मा हिसाब देवेगा।